प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर, क्योंकि परमेश्वर महान है, भला है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो वचन आप सुन रहे हैं, जो मुझे परमेश्वर वचन दे रहा है और जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ये सारे वचन आपको आशीषित कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और अगर आपको आशीष मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए, लिखिए कि मुझे आशीष मिल रही है इन वचनों से, क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे तो मुझे एक उत्साह मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद बोलूँगा परमेश्वर का कि मेरे भाई मेरी बहन जो इन वचनों को सुन रहा है उसको आशीष मिल रही है। आज का वचन बहुत अच्छा है और मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ इस वचन को पूरा सुनिएगा, अंत तक आप सुनेंगे तभी आप इसके प्रकाशन को समझ पाएंगे, इसकी सत्यता को समझ पाएंगे, इसके सामर्थ्य को महसूस कर पाएंगे अपने जीवन में और वो आशीष पा पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको दो भिखारियों से मिलवाना चाहता हूँ। जैसे आपने टाइटल में पढ़ा होगा, मिलिए दो भिखारियों से। यस, दो भिखारियों से। देखिए, बाइबल कहती है कि हमें कैसे जीवन जीना है इस धरती पर। मत्ती की पुस्तक अगर हम देखेंगे, मत्ती की किताब अगर हम देखेंगे तो मत्ती में लिखा हुआ है, मत्ती 3 और 4 में, कि धन्य है जो मन का दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है, धन्य है वो जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी वही है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि दीनता और नम्रता हमें स्वर्ग के राज्य से और पृथ्वी का अधिकारी बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। धरती पर रहने के लिए हमें क्या चाहिए? दीनता और नम्रता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वचन को समझाने के लिए, परमेश्वर के इस विचार को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की आज्ञा को आप तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ वचन पढ़ने पड़ेंगे और मैं आपको वचन पढ़ के सुनाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके पास बाइबल है तो इस बाइबल को खोलिए और नहीं तो आप नोटबुक है उसमें लिख लीजिए ताकि आप उस वचन को समझ सकें। प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमारी बच्ची पढ़ेगी लूका 16:19-31 के बीच में। ध्यान से इन वचनों को पढ़ेंगे जो आप वचन पढ़ चुके हैं, लेकिन जो प्रकाशन मुझे इसमें दिया परमेश्वर ने, मैं आपको उसको पूरी ईमानदारी के संग बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको बुद्धि देगा और आपकी बुद्धि खोलेगा ताकि आप इस वचन को समझ सकें। हाँ जी बेटा, पढ़िए। एक धनवान मनुष्य था। देखिए, ये जो कहानी है ये सत्य है, एक सत्य घटना पर आधारित है, क्योंकि इसमें इब्राहिम जो दिखता है वहाँ पर स्वर्ग लोक में, इब्राहिम दिखता है, एक लाजर कोड़ी है, बेकारी है और एक धनवान मनुष्य था। तो इस कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम। पढ़िए बेटा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनते और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। मैं धूमधाम के संग रहता था, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी पोशाकें, मान और सम्मान, यानी कि घमंड के साथ वो उस जीवन को बिता रहा था जो जीवन परमेश्वर ने उसे दिया था। आगे, लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। लाजर नाम का एक भिखारी, एक कोड़ी, उसकी देवड़ी पर रोज छोड़ दिया जाता था। देखिए, दो कैरेक्टर्स को हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। दो करेक्टर्स, एक भिखारी, एक कोड़ी जिसको बीमारी है, जिसको कोड़ है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। सालों से उसके जो जाने वाले हैं, उसके जो जानने वाले हैं, वो उस धनवान की डोरी पर उसको छोड़ देते हैं ताकि वहां से उसे रोटी मिले और वहां पर वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। उसके पास कुछ भी नहीं है। और एक आदमी जिसके पास बहुत कुछ है, वो घमंड की आंखें लेकर, घमंड लेकर वो उस जीवन को व्यतीत कर रहा है। आगे बेटा, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे। Amen. क्या चाहता था, क्यों आता था? क्योंकि वो चाहता था कि धनवान की मेज से जो झूठन गिरती है, वो तरसता था। मेरी बाइबल में लिखा हुआ है वो तरसता था कि उस झूठन को ले। क्यों तरसता था? अब देखिए, इस पर मैंने पहले भी वचन दिया हुआ है कि ये परमेश्वर का अनुग्रह था, उसकी दया थी। इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम आगे जाएंगे। क्यों तरसता था? क्योंकि वो धनवान की झूठन भी स्वादिष्ट थी। धनवान की झूठन भी बहुत अच्छे अच्छे पकवानों की होगी, क्योंकि वो धनवान की टेबल से गिर रही है। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो तरसता था उस झूठन को खाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बोलिए। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। हाँ, इतने घाव थे उसके, मक्खियां बैठती थी, भिन बनाती थी,
और वहां पर कुत्ते आकर, ये भी परमेश्वर का अनुग्रह था कि कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे और उसे थोड़ी सी राहत मिलती थी। आगे ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया, वो कंगाल भिखारी कोड़ी मर गया, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। स्वर्गदूत उसे लेकर लेने आए, ऐसा क्या था उसमें? वो भिखारी था, कोड़ी था, ऐसा क्या था कि उसे लेने के लिए स्वर्गदूत आए? और ये जो हमारा धनी व्यक्ति, आगे पढ़िए बेटा, वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और गाड़ा गया। तो देखिए, हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, एक भिखारी कंगाल जिसके पास धरती पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं उसके पास, हम देखते हैं कुछ भी नहीं था, अपना कहने का कुछ भी नहीं था, ना मकान था, ना नौकरी थी, ना उसका शरीर था, ना उसके पास कपड़े थे, ना उसके पास रोटी थी, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन उसे उसको स्वर्गदूत इब्राहिम की गोद में स्वर्ग लोग लेकर गए। और वो जो धनी जिसके पास सब कुछ था देने के लिए, सब कुछ था, बैजनी वस्त्र पहनने के लिए थे, रोटी थी, बहुत कुछ था उसके पास, आलिशान था, महल था, गाड़ियां थी, सब कुछ था, लेकिन उसे दफनाया गया। प्रेस अवार्ड, हालेलुया। इन दो चीजों को समझने की कोशिश करिए, क्या था कंगाल के पास? कुछ भी नहीं, लेकिन एक चीज थी, वो क्या था? धन्यवाद। वो क्या था? परमेश्वर का प्रेम। वो क्या था? कि उस कीमत को, उस जीवन की कीमत को वो समझता था। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे उसको कोड़ था, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन भिखारी के रूप में वो धरती पर जब था तो परमेश्वर उसकी हर इच्छा को पूरा कर रहा था। ध्यान दीजिए, अगर आप एक भिखारी के रूप में धरती पर हैं और आप मांगते हैं, देखिए मेरे भाई मेरी बहन, सब भिखारी हैं जितने इस धरती पर चल रहे हैं ना, जितने इस धरती पर घूम रहे हैं, जितने कारों में बैठे हुए, बंगलों में बैठे हुए, बड़े बड़े, हर आदमी भिखारी है परमेश्वर के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। धरती पर भिखारी होना तब भी एक चीज को संभालता है कि हम धरती पर भिखारी हैं, यानी कि धरती पर जब आप भिखारी हैं तो परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में काम करेगी, परमेश्वर का रहम आपको मिलेगा। हो सकता है आपने पाप किए हों, हो सकता है आपने गंदे काम किए हों, हो सकता है जो आप कमाई कर रहे हैं उसमें भी आप किसी का हक मार रहे हों, हो सकता है बददुआएं ले रहे हों, हो सकता है, लेकिन धरती पर मुमकिन है कि आप इन सब पापों से मुक्त हो जाएं। कभी ऐसा वक्त आए कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे, परमेश्वर आपको छू ले और आप पश्चाताप करें और परमेश्वर के चरणों में आ जाएं और आशीष पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं, उद्धार पाएं और परमेश्वर के हो जाएं, परमेश्वर की वो कृपा पाएं जो कि इस भिखारी ने पाई थी, इस कंगाल कोड़ी भिखारी ने पाई थी, क्योंकि ये धरती पर था। प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्यवाद देकर परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिता रहा था। हमारा भी यही काम होना चाहिए कि हम धन्यवाद देकर परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं। आगे बढ़िए बेटा। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अब जो धनी व्यक्ति था वो अधलोक गया, वो कहां गया? दफनाया गया। कहां गया? अधलोक। और वहां पर पीड़ा में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई। हाँ जी। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यानी कि अधलोक से स्वर्गलोक देख सकते हैं आप। दूर से उस धनी व्यक्ति ने इब्राहिम की गोद में लाजर को, जो लाकर लाजर गोद में था, अब उस आशीष को पा रहा था जो परमेश्वर ने उसे दिया है। सारे घाव उसके ऊपर नहीं थे, अच्छे कपड़े थे, सब कुछ था, उसका शरीर बहुत ही अच्छा सुंदर दिख रहा था, वो इब्राहिम की गोद में था। हाँ जी। तब उसने पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता अब्राहम, हाँ, मुझ पर दया करके, हाँ, लाजर को भेज दे, हाँ, ताकि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। आमीन। हालेलुया। क्या कर रहा है ये आदमी, धनी व्यक्ति क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। जमीन पर क्या था ये धनी? घमंड से भरा हुआ, पैसों का अहंकार, अपने पोस्ट का अहंकार, अपनी खूबसूरती का अहंकार, घमंड से भरा हुआ था। इसने कभी याद नहीं किया यीशु मसीह को, इसने कभी याद नहीं किया परमेश्वर को। आज जब वो मरा तो भीख मांग रहा है नरक में,
और रखम क्या कह रहा है कि इब्राहिम इस लाजर को भेज मेरे पास, क्योंकि वो अपनी छोटी उंगली के पे पानी का एक बूंद डालकर मुझे दे दे ताकि मैं अपनी जीभ पर रख सकूं और कुछ पलों के लिए आराम महसूस करूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, ये व्यक्ति हमें क्या बताता है, ये वचन हमें क्या बताता है कि हम जिंदगी भर धरती पर अगर ऐश और आराम की जिंदगी जिएंगे और परमेश्वर को याद नहीं करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे, अपनी दीनता और नम्रता के संग उस जीवन को नहीं बिताएंगे तो नरक में जाकर हमको भीख मांगनी पड़ेगी और भीख नहीं मिलेगी। नरक में आपको भीख नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। देखिए इब्राहिम क्या कहता है। परंतु अब्राहम ने कहा, हाँ अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और वैसे ही लाजर कोड़ी बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है, तो अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है, और तू तड़प रहा है, तू भिखारी बन गया है। वो पहले धरती पर भिखारी था, लेकिन जब लाजर धरती पर भिखारी था वो धन्यवाद देता था, वो परमेश्वर को जानता था, वो परमेश्वर की कीमत को समझता था। प्रेज द लॉर्ड। चाहे उसे अमीर के मेज से टुकड़े मिलते थे, लेकिन फिर भी वो धन्यवाद देता था। उसके कोड़ था, कुत्ते उसके कोड़ को चाटते थे, फिर भी वो धन्यवाद देता था कि परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिया, तू महान है, तू सृष्टिकर्ता है, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू ही है, धन्यवाद, हालेलुया। वो जानता था परमेश्वर को, वो परमेश्वर के प्यार को समझता था। मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन वो जो धनी व्यक्ति था उसने परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझा, उसने नहीं समझा कि परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसने खुद नहीं लिया है। आमीन। धरती पर हमें घमंड क्यों आता है, ताकि हम ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया, वो हम भूल जाते हैं कि हमने कमाया, हम भूल जाते हैं, हम याद रखते हैं क्या कि मेरा घमंड, मेरी बुद्धि, मैंने काम किया, मैंने किया। इसलिए बाइबल कहती है यिर्मयाह 9:23-24 कि धनवान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, और जो शक्तिशाली है वो अपने शरीर पर घमंड ना करे। अगर आपको घमंड करना है तो इस बात पर घमंड करें कि आप परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को समझते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसको आप जानते हैं, धनवान नहीं जानता था, धनवान क्या कह रहा था कि साहब ये सब कुछ मेरा, इसलिए तो घमंड के साथ वो देखता भी नहीं था, वो जो कोड़ी बैठा वो उसकी तरफ देखता तक नहीं था, खाता था और फेंकता था और चला जाता था। प्रेज द लॉर्ड। आज वो वहां पर भीख मांग रहा है, आज वो नरक में भीख मांग रहा है, और जो लाजर है जिसने धरती पर भीख मांगते हुए अपना जीवन बिताया वो इब्राहिम की गोद में है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें बताया है कि हम क्या थे और हमें कैसा जीवन जीना है। अगर हम शारीरिक जीवन जिएंगे, अगर हम उस जीवन को उसकी कीमत को नहीं समझेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम नरक में जाकर भीख मांगेंगे, और जब हम नरक में जाकर भीख मांगेंगे ना तो हमारी कोई नहीं सुनेगा, परमेश्वर नहीं सुनेगा, यीशु नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई नबी नहीं सुनेगा हमारी बात। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर धरती पर हम भीख मांगते हुए अपने आप को दीन करेंगे, नम्र करेंगे और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के अधीन रहेंगे, धन्यवाद देते रहेंगे और परमेश्वर की कृपा को अपने जीवन में महसूस करेंगे हर पल, तब हम स्वर्ग में उठाए जाएंगे, स्वर्ग लोक में उठाए जाएंगे और इब्राहिम की गोद में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो 12:1-2 मैं आपके लिए पढ़ाना चाहता हूँ। रोमन्स 12:1-2 ध्यान दीजिए कि यहाँ पर पौलुस क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। हाँ बेटे बोलिए। इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। यहाँ पर पौलुस हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि आप परमेश्वर की दया को याद रखें। मेरे भाई, हमें रोज परमेश्वर की दया को याद रखना है।
हम जब सुबह उठे तो हमें धन्यवाद देते हुए उसकी दया को याद करना है कि हम क्या थे, हम क्या थे और क्या परमेश्वर ने हमें बना दिया। क्या है उसकी दया? कि यीशु मसीह ने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमें अपना दास बनाया, हमें अपना पुत्र बनाया। क्या कृपा की उसने, उसकी दया क्या थी कि उसने हमारे शापों और पापों से हमें पूर्ण तरीके से मुक्त किया। प्रेज द लॉर्ड, उसने अपनी आत्मा हमें दी, उसने हमें नया जीवन दिया और अपना पुत्र बनाया। ये चार चीजें परमेश्वर ने हमें दी है। इस चार चीजों की जो दया है, उसकी कृपा है, उसका अनुग्रह को हमें कभी नहीं भूलना है और रोज हमें याद करना है। रोज याद करते हुए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। इसलिए पौलुस बोलता है कि तुम्हें मैं विनती करता हूं, आगे बैठे, कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या मतलब हुआ? परमेश्वर ने हमें पवित्र कर दिया, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमारी आत्मा को नया किया है, लेकिन इसमें क्या कहता है कि जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यानी कि हमें वो बलिदान नहीं चढ़ना जो हमें पसंद है। हमें भी पसंद है, आज हमें पसंद है हम बाइबल पढ़नी है, कल हमें पसंद है बाइबल नहीं पढ़नी है, आज हमें पसंद है कि हमें उपवास रखना है, कल हमें पसंद नहीं। नहीं, हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। हम अपने नहीं है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, हमें वो बलिदान चढ़ाना है जो परमेश्वर को पसंद है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हमें वो जीवन जीना है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो। लाजर कोड़ी जो था, उसने परमेश्वर को भावता हुआ जीवन बिताया। वो कोड़ी था, वो निर्बल था, वो भिखारी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कोई भी ऐसी कुड़कुड़ाहट नहीं बताई, कोई भी दोष नहीं बताया, असंतोष नहीं बताया, उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। मेरे भाई, ये जो जीवन मुझे और आपको मिला है ना, ये परमेश्वर ने दिया है और उसकी कृपा है, इसलिए उसकी अहमियत को समझिए। अगर हम इस अहमियत को समझेंगे, अगर हम उसकी कृपा को समझेंगे, तो ही हम उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे, वही हमारी आत्मिक आराधना होगी। हम आत्मा में कब आराधना करेंगे? जब परमेश्वर को भावता हुआ हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर को भावती हुई जब हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर को भावता हुआ जब हम जीवन बिताएंगे, परमेश्वर को भावता हुआ जब हम उसकी आराधना में जाएंगे, तो ही परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में काम करेगा और तब हम उस दया को हमेशा स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे जो परमेश्वर ने हम पर की है। याद रखिए मेरे भाई, मेरी बहन, जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए उस चीज को कभी मत भूलिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। वो जो धनी आदमी था वो भूल गया था कि परमेश्वर ने क्या दिया है, इसलिए वो अधलोक में जाकर भीख मांग रहा था कि इब्राहिम इस लाजर को भेज और वो जल का एक बूंद मेरे जीभ पर रख दे ताकि मैं कुछ पलों के लिए संतुष्ट हो जाऊं। अगर मेरे भाई आप परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान इस धरती पर इस जीवन में चढ़ाएंगे, तो आपको नरक में, आपको अधोलोक में जाकर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आपका स्थान कहाँ होगा? इब्राहिम की गोद में, स्वर्ग लोक में। लेकिन अगर इस धरती पर आप परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान नहीं चढ़ाएंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो आप खतरे में। एक दिन जब आप मरेंगे, जब आप दफनाए जाएंगे, तो आप अधोलोक में जाएंगे। फिर आपका पैसा, फिर आपकी ताकत, फिर आपकी दौलत कुछ काम नहीं आएगी, कुछ काम नहीं आएगी। आपके रिश्तेदार कुछ काम नहीं आएंगे, आपके जो रिलेशंस हैं वो कुछ काम नहीं आएंगे, कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि वहां सुनी नहीं जाएगी। अधोलोक में कोई नहीं सुनेगा आपकी। जैसे इस धनी आदमी की, वो समझ रहा था धनी आदमी, अरे लाजर इसको तो मैं रोज टुकड़े देता हूं, ये तो आएगा ही आएगा। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, आप यहीं पर ऊंचा नीचा कर सकते हैं,
धरती पर ही ऊंच नीच की दीवार आपके मन में है कि ये गरीब है, मैं अमीर हूं, ये काला है, मैं गोरा हूं, मैं अच्छा हूं, ये बुरा है, आप धरती पर ही कर सकते हैं। ऊपर आप स्वर्ग लोक जाएंगे, सब एक समान है, सब एक समान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें उस विषय से, उस आशा से हमें रहना है। इसलिए बाइबल कहती है, रोमियो 8:18 कहता है कि धरती पर रहते हुए अगर थोड़ा सा भी दुख हमें सहना पड़ रहा है, पढ़िए बेटा रोमन्स 8:18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये दुख, ये कलेश, ये सताव उसके सामने जो महिमा प्रकट होने वाली है, जब यीशु आएगा और हमें लेकर जाएगा, वो पल जब हम इब्राहिम की गोद में होंगे, ये दुख, ये सताव, ये कलेश कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए दुख उठाओ। पहला तो अगर आप पढ़ेंगे अपना तिमोथियस, सेकंड तिमोथियस, अगर पहला पढ़ेंगे पहले का 8:12, अगर पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियस फर्स्ट चैप्टर 8:12, देखिए पौलुस यहाँ क्या तिमोथियस को समझाता है कि तुझे कैसा जीवन बिताना है। सेकंड तिमोथियस फर्स्ट का 8:12 पढ़िए बेटा। हालेलुया। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो भला है। सेकंड तिमोथियस फर्स्ट का 8, हाँ बेटा, इसीलिए हमारे प्रभु की गवाही से जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो। हाँ, लज्जित मत हो। हम सताव में लज्जित हो जाते हैं, हम कहते हैं कि अरे हम तो परमेश्वर के चुने हुए हैं, सताव हम पर क्यों आ रहा है, दुख हम पर क्यों आ रहा है। नहीं, दुख जरूरी है सामर्थ के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए दुख जरूरी। इसको पढ़िए, पूरा पढ़िए 8। पर उस परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा मेरे साथ। लाजर कोड़ी क्या कर रहा था? दुख उठाते हुए आनंद महसूस कर रहा था। उसके पास, देखिए, लाजर कोड़ी के पास बहाना था, उसके पास था कि साहब वो परमेश्वर पर दोष लगा सकता है कि मैं कोड़ी हूं, एक तो कोड़ हो, एक तो पैसा नहीं है, एक तो खाने के लिए नहीं है, कोई साथी नहीं है, उसके पास बहाने थे, उसके पास बहुत ऑप्शन थे कि परमेश्वर पर दोष लगाए, लेकिन उसने क्या, दुख सहा। इसी का बारवा पढ़िए। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं धरती पर रहते हुए। इस कारण मैं इन दुखों को उठाता हूं क्योंकि मुझे स्वर्ग लोक जाना है आगे, पर लज्जाता नहीं हूं। हम लज्जाते हैं, जरा सी परीक्षाएं हमारे ऊपर आ जाती हैं, हम लज्जाते हैं, हम शर्माते हैं। कोई कहता है अरे आप तो मसीह हैं, अरे आप तो चर्च जाते हैं, आप तो दान दशांश देते हैं, फिर आपके जीवन में क्यों सताव आ रहा है, फिर आप परीक्षा में क्यों हैं? कई बार आप सोचते होंगे ना, कई बार हो सकता है आपके पड़ोसी, कई बार हो सकता है आपकी पत्नी आपको बताती होगी, आपका पति आपसे बोलता होगा, आपका पिता आपको बोलता होगा कि भाई तुम तो मसीह हो, तुम्हें तो यीशु मसीह ने चुना, यीशु मसीह ने कोड़े खाए तुम्हारे लिए ताकि सारे दुखों को दूर कर दे, फिर तुम पर दुख क्यों है? यहां पर पौलुस क्या कह रहा है तिमोथियस को, पढ़िए बेटा दोबारा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं क्योंकि मैं उसे उस परमेश्वर को, उस यीशु को जानता हूँ जिस पर मैंने विश्वास किया है, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी दोराहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। और मुझे विश्वास है, निश्चय है कि वो मेरी दरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। मेरा उद्धार निश्चय है। अगर संकट आता है मेरे भाई मेरी बहन आपके ऊपर, तो परमेश्वर चाहता है कि आपका विवेक आपको बताए, आपका स्वभाव बदले, आप परमेश्वर के योग्य रहें, आप धन्यवाद की आत्मा के संग जिंदगी जिए। अरे मेरे भाई मेरी बहन, आप नहीं जानते कि आपको क्या मिला है। जिस दिन आप उसकी कीमत समझ लेंगे ना, कि यीशु मसीह के शरीर के द्वारा
उसकी मृत्यु के द्वारा आपको क्या मिला है, जिस दिन आप उसकी कीमत को समझ लेंगे मेरे भाई मेरी बहन, उस दिन आप जानेंगे। पढ़िए बेटा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ। पौलुस क्या कह रहा है तिमोथियस को, सुनने की कोशिश करिए। हाँ बेटा पढ़िए। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ, हाँ? पर लजाता नहीं। और लजाता नहीं हूँ। कई बार हम लजाते हैं, हमारे पास दुख आते हैं, हमारे पास संकट आते हैं, हम लजा जाते हैं, क्योंकि हम मसीह हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप मसीह हैं, आप चर्च आते हैं, दशांश देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुख आ रहे हैं आपके ऊपर और आप लजा जाते हैं। नहीं, दुखों से लजाना नहीं है। पौलुस क्या कह रहा है कि इसी कारण मैं दुखों से लजाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। क्या जानता हूँ? और मुझे निश्चय है कि हाँ। वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। क्योंकि मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। वो क्या कहता है? क्योंकि मैं जानता हूं। क्या आप जानते हैं यीशु को? क्या आप जानते हैं? यही तो सवाल है। क्या यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, क्या हम पूरी तरीके से जानते हैं? मती 16 में यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा था कि मैं कौन हूं, तुम जानते हो? और चेलों ने क्या जवाब दिया? कि कोई एलिया कहता है, कोई आपको यूहन्ना बपतिस्मा वाला कहता है, कोई आपको और नबी कहता है, लेकिन पतरस कहता है आप परमेश्वर के पुत्र अभिषिक्त हैं, आप परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। यीशु जानना चाहता है। पौलुस जान गया था कि मैं जिसके साथ हूं, मैं जिस पर विश्वास कर रहा हूं, वो अंत तक मेरी धरोहर की रखवाली करेगा। और यही विश्वास इस कोड़ी पर भी था, जो लाजर कोड़ी था ना, मैं महसूस करता हूं कि इस कोड़ी को भी था। अंत तक वो जो जीवन परमेश्वर ने दिया था उसी तरह जी रहा था, धन्यवाद देता हुआ। लेकिन उसने कभी खुड़खुड़ाया नहीं, कभी संदेह नहीं किया, कभी दोष नहीं लगाया, निंदा नहीं की, उसने सिर्फ धन्यवाद किया, क्योंकि वो जान गया था कि मैंने किस पर विश्वास किया है, मुझे किसने जीवन दिया है, उद्धार किया है, पापों से शापों से मुक्ति का मतलब क्या है, वो जान गया था। इसलिए वो इब्राहिम की गोद में था, और जो धनी आदमी था वो नहीं जाना था। वो इस जीवन में पैसा मिल गया था, धन मिल गया था, सब कुछ मिल गया था, लेकिन वो यीशु को नहीं जाना था, वो परमेश्वर को नहीं जाना था। और आपने देखा कि वो अधलोक में था, अधलोक में। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे विनती करता हूं, इससे अच्छा है कि हम धरती पर रहकर परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उस सत्य को जानें, उस सत्य के अनुसार चलें, उस आशीष को पाएं जो परमेश्वर इस धरती पर देना चाहता है, ताकि हम जब यीशु मसीह आए तो उसके साथ स्वर्ग लोक जाएं। बनस्पत कि हम यहाँ पर इंजॉय करें, यहाँ पर हम उस आशीष को खो दें, यहाँ पर हम यीशु की कीमत को नहीं समझें, और जब वक्त आए और जब हम मरें और अधलोक जाएं और वहाँ पर हम भीख मांगें, जैसे धनी व्यक्ति भीख मांग रहा था। प्रेस गॉड। मेरे भाई मेरी बहन, धरती पर हम भीख मांगेंगे ना, पिता हम पर दया करेगा और समझेगा, प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हम पर दया कर, वो दया करेगा। लेकिन धरती से एक बार चले गए यीशु को बिना जाने, यीशु की कीमत को बिना जाने, आप धरती से एक बार चले गए ना, फिर आपको कोई भीख नहीं देने वाला, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप अधलोक में रहेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, इस सत्य को जानिए, इस सत्य को समझिए, और इस सत्य के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर आप बहुत अच्छे पिता हैं। परमेश्वर आप अद्भुत रीति से हमें समझाते हैं,
ताकि हम परमेश्वर बच सकें, ताकि हम परमेश्वर तेरे योग्य बन सकें, ताकि हम लज्जित ना हों और पौलुस की तरह हम भी परमेश्वर वही चाल चलें जो पौलुस ने चली थी, और वही विश्वास हमारे अंदर रहे कि अंत तक जिसने हमें चुना है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें अपना बनाया है, वो अंत तक हमारी धरोहर की रक्षा कर सकता है। यस, हमारा मसीह हमारे साथ है, हमारा यीशु हमारे साथ है, हमारा पिता हमारे साथ है, इसलिए हमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। हम विश्वास करें और इसकी दया को, उसकी कृपा को, उसके अनुग्रह को, उसकी पवित्रता को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको हमेशा याद रखें, कभी ना भूलें, हमेशा याद रखें और उसका धन्यवाद दें। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना अपने सुनी कबूल किए। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरी बहन। आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ आपको बहुत आशीषित देगा। इसको एक बार नहीं, कई बार सुने और प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वचन पहुँचे और हमारे मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे प्यार करता है।